हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में बताता हूँ। तो कुछ इस तरीके से दिखने वाला जो सर्किट होता है उसको व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। जो ये दिख रहा है आपको, इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर ये दो ए और बी में बैटरी कनेक्टेड है वी, तो जो ये गैल्वेनोमीटर लगा है, एक्चुअली गैल्वेनोमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस होता है, करंट नापता है, और गैल्वेनोमीटर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, तो आप इसको रेजिस्टेंस भी कंसीडर करोगे। तो ये जो पांचवा रेजिस्टेंस है, पांचवा यानी गैल्वेनोमीटर जो ब्रिज बना रहा है सी से डी में, तो ये जो ब्रिज है वो ए और बी को कनेक्ट करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब अगर बैटरी इस ब्रिज पे लगी होती, यहाँ पे लगी होती बैटरी, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं होता। अगर बैटरी सी और डी में लगी होती तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं होता। पर अगर बैटरी ए और बी में लगी है और गैल्वेनोमीटर सी और डी में लगाए, तो दिस इज व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इसको बेटा सॉल्व कैसे करें? सॉल्व मतलब आप कहोगे कि इसमें क्या है, सॉल्व करने में इजी है, पर इजी नहीं है क्योंकि यहाँ पे पी और आर सीरीज में नहीं है क्योंकि करंट यहाँ डिवाइड होगा, क्यू और एस सीरीज में नहीं है क्योंकि करंट यहाँ डिवाइड होगा, इसमें पी और क्यू पैरेलल में भी नहीं है क्योंकि इनका एक हैंड तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है पर दूसरे हाथ के बीच में गैल्वेनोमीटर आ गया। उसी तरह आर और एस भी पैरेलल में नहीं है, इनका एक हाथ तो यहाँ जुड़ा हुआ है पर दूसरे हाथ के बीच में गैल्वेनोमीटर आ गया। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें कैसे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो हम क्या करें? तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आएगी। उसके लिए यहाँ पर हमको एक बार किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना पड़ेगा, KVL। तो उसके लिए सबसे पहले करंट मानना पड़ेगा। तो मैंने माना कि कुछ करंट आई आ रहा है, वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ I1 और यहाँ गया I-I1, I1 ऊपर गया और इधर गया IG और इधर गया I1-IG, ठीक है। ये IG नीचे आया और I-I1 में ऐड हो गया तो इधर गया I-I1+IG और ये दोनों को आपस में हमने जोड़ दिया और यहाँ पे आया I। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गैल्वेनोमीटर में ये बैटरी के लिए एसेंशियल है करंट डिवीजन में, कि बैटरी के प्लस टर्मिनल से जितना करंट निकला है उतना ही उसके माइनस टर्मिनल में वापस आना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट थ्रू द बैटरी। तो ये हो रहा है कि करंट जितना दिया है आई दिया है और वापस भी उतना ही आ रहा है, तो ये हमने करंट को डिवाइड किया। अब हमको यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाना है, KVL लगाना है। तो ये लूप वन और ये लूप टू, दो लूप मैंने आपको बताए हैं, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि KVL हमको यहाँ पे लगाना है। तो इन लूप वन, अप्लाइंग KVL, लगा रहे हैं लूप वन में। तो A से स्टार्ट हो रहा हूँ और A से जब मैं ऊपर जा रहा हूँ C की तरफ, तो मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अब देखो, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव लेते हैं। तो मैं लूँगा -IR, I है I1 और रेजिस्टेंस है P, ठीक है। अब मैं ऊपर C से नीचे आ रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर के थ्रू होता हुआ नीचे D की तरफ आ रहा हूँ। तो अब मैं फिर से करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मैं लूँगा -IG * गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G, IGG। अब मैं जब D से A की तरफ आ रहा हूँ घूम के, यहाँ से यहाँ गया फिर नीचे आया फिर अब वापस A की तरफ आ रहा हूँ, तो अब मैं करंट के अपोजिट आ रहा हूँ, करंट नीचे आ रहा है मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो अब मैं लूँगा प्लस I-I1 * Q और इसको रख दूँगा 0। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन जब मैं लेके आता हूँ, तो मैं सेकेंड लूप में लगा रहा हूँ लूप टू, KVL इन लूप टू। तो लूप टू में C से स्टार्ट हो रहा हूँ, तो C से स्टार्ट होकर नीचे आ रहा हूँ B की तरफ और करंट के डायरेक्शन में आ रहा हूँ, इसलिए माइनस
आई वन माइनस आई जी इंटू आर। फिर जब मैं बी से डी की तरफ आ रहा हूँ नीचे, तो मैं करंट के अपोजिट आ रहा हूँ, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा कि मैं ऐसे करंट ऐसे आ रहा है ऊपर और मैं नीचे आ रहा हूँ, तो करंट के अपोजिट आ रहा हूँ। तो हो जाएगा प्लस आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस, ठीक है। और जब मैं डी से सी जाऊँगा ऊपर, तो मैं तो भी मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूँ, तो आ जाएगा प्लस आई जी इंटू जी इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम एक चीज़ अज्यूम कर रहे हैं, उसको बाद में हम एक्सप्लेन कर देंगे कि लेट सपोज ऐसा होता कि इफ़ आई जी वुड बी ज़ीरो, अगर आई जी ज़ीरो होता तो क्या होता। तो अगर आई जी ज़ीरो होता तो इक्वेशन वन मॉडिफाई हो जाती आई माइनस आई वन इंटू क्यू इज इक्वल टू आई वन पी, ये बन जाती थर्ड, ठीक है। और जो इक्वेशन टू मॉडिफाई होती वो कैसे होती, आई माइनस आई वन इंटू एस विल बी इक्वल टू आई वन इंटू आर, दिस इज फोर्थ, ठीक है। अब आप इनको डिवाइड कर दो, थ्री डिवाइडेड बाय फोर, तो क्यू अपॉन एस इज इक्वल टू पी अपॉन आर, ठीक है। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ मैं रीअरेंज करके कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। यानी अगर वीट स्टोन ब्रिज में, ये जो वीट स्टोन ब्रिज है इसके अंदर अगर P ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस, है ना, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, ये इंपॉर्टेंट है। आप गौर से देख लो मैं कौन से दो का रेशियो निकाल रहा हूँ। P अपॉन Q बराबर R अपॉन S अगर हुआ इन दोनों में, तो ये जो IG है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगा। तो ये कहलाता है कि वीट स्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस्ड कंडीशन, वीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि वीट स्टोन ब्रिज विल बी इन बैलेंस्ड कंडीशन। अब इसमें हम अगर गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दें, मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एक सर्किट में आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमने क्या करा, ये P है, ये R है, ये Q है, ये S है, ये A, ये B पॉइंट्स, C, ये D, ठीक है। अब बैटरी अगर मैं ऐसे लगा दूं, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर ऐसे लगा दूं, ठीक है। तो अब अगर हम वही सिचुएशन देखें कि अब वीट स्टोन ब्रिज के बैलेंस होने की कंडीशन क्या बनेगी, तो आप देख सकते हो कि जो ए और बी हैं वो अब सी और डी हो गए, तो अपन बोलेंगे क्यू अपॉन एस इज इक्वल टू पी अपॉन आर, ठीक है। और अगर इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें तो पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि कंडीशन वही आ गई सेम, यानी इफ यू रिप्लेस, शब्दों पे आप ध्यान देना, इफ यू रिप्लेस एंड इनफैक्ट इफ यू इंटरचेंज द गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी विद ईच अदर इन वीट स्टोन ब्रिज, देन देर इज नो इफेक्ट ऑन द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द वीट स्टोन ब्रिज। अगर आप गैल्वेनोमीटर और बैटरी को आपस में इंटरचेंज कर देते हो तो वीट स्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये था वीट स्टोन ब्रिज और आगे इसके एप्लीकेशंस लेके आएंगे। थैंक यू।
इस क्वेश्चन में हमें वीट स्टोन ब्रिज का यूज करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी में। तो जैसा आप देख सकते हो कि अगर हम वीट स्टोन ब्रिज का कुछ कंसेप्ट यूज ना करें तो कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज या कोई भी पैरेलल में नहीं है, पर अगर हम वीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट यूज करें तो हम देख सकते हैं कि R अपॉन 2R, ये अपॉन ये इज इक्वल टू 3R अपॉन 6R, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो वीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, ठीक है, बैलेंस्ड है और इसीलिए जब ये बैलेंस होता है तो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तो अगर इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है इस वाले रेजिस्टेंस से, तो बेटा आप इसको हटा ही दो ना, रिमूव कर दो इसको, इसको रिमूव कर देते हैं। और अगर इसको रिमूव कर देंगे तो सिचुएशन ऐसी बनेगी हमारी, ये 3R, ये R, ये 2R, ये 6R, ये A, ये B। तो सिचुएशन ये बन गई कि ये दोनों सीरीज और ये दोनों सीरीज और ये आपस में पैरेलल, तो R और 3R हो गया 4R और नीचे 2R और 6R हो गया 8R। ठीक है, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 8 × 4 / 8+4 यानी 12, तो यह आ जाएगा 8/3R, 8R/3। तो इजी था क्वेश्चन और इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो अब आता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें फिर से इसको सॉल्व करना है यूजिंग वीट स्टोन ब्रिज, और वीट स्टोन ब्रिज मुझे यहाँ पर बनता हुआ साफ दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको भी दिख रहा होगा, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो ब्रांच है, ये जो यहाँ जुड़ी है, इसको आप यहाँ पे जोड़ो इस जगह पे, ठीक है, और आप इनफैक्ट इसको देख सकते हो अब कि एक रेजिस्टेंस 6, ये 8, ये 3, ये 4 और ये ब्रिज है, 10 ब्रिज है। तो लेट्स सी कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। तो आप देखो कि 6/8 इज इक्वल टू 3/4, तो 6/8 इज 3/4, 3/4, तो इट इज बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड है। तो ये जो 10 ओम है इसको आप हटा सकते हो, ठीक है। अब 10 ओम को हटा दोगे तो सिचुएशन ये बनेगी कि ये ए हो गया, ये 6 ओम हो गया, ठीक है, ये 3 ओम हो गया, ये 7 ओम हो गया और ये हो जाएगा 8 ओम और नीचे हो जाएगा 4 ओम, ठीक है, इनको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो बेटा ये 6 और 3 जो है वो सीरीज में हो गया 9, ये वाला, और 8 और 4 सीरीज में हो गया 12, ये वाला। अब 9 और 12 जो है वो आपका हो जाएगा पैरेलल में, तो सिचुएशन ये बनेगी कि ए और ये हो गया 9 और 12 का इक्विवेलेंट, जो कि आएगा 9 × 12 / 9+12, तो ये हो जाएगा आपका 9 × 12 / नीचे आ गया 21, तो ये जाएगा 3, ये जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 36/7, ठीक है, तो 36/7 और ये दोनों हो गए सीरीज में, तो 36/7+7, तो R इक्विवेलेंट हो गया हमारा 49+36 यानी 85/7 ओम्स। तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा सी हो गया।
ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज से सॉल्व हमें करना है, और इसमें आप ये देख सकते हो कि इसमें दो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहे हैं। ठीक है, एक तो ये ऊपर वाला दिख रहा होगा आपको, और एक ये नीचे वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि ऊपर वाले के लिए बात कर रहा हूँ कि 3/3 इज इक्वल टू 4/4, और नीचे 3/3 इज इक्वल टू 4/4। ठीक है, बैलेंस्ड है, तो ऊपर वाले में से ये हट जाएगा और नीचे वाले में से ये हट जाएगा। ठीक है, तो अब सर्किट क्या बचा? सर्किट ये बचा कि ए, और ऊपर अगर ये हट गया 2 ओम, तो 3 और 4 हो गए सीरीज में, तो इसे जुड़ गया 7। 3 और 4 नीचे सीरीज में, इससे जुड़ गया 7, और नीचे 3 और 4 फिर से सीरीज में, इससे जुड़ गया 7। तो आर इक्विवेलेंट हो गया 7, जो है 7 7 7 तीन पैरेलल में है, तो 7/3 ओम ये हो गया आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो मान लो ए ये शिफ्ट करके ए ये और बी ये, ठीक है, ये सी ये डी। अब आप चेक करो कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4। ठीक है, तो बैलेंस है, 1/2 इज इक्वल टू 2/4 बैलेंस है। तो ये जो 4 ओम है ये हट जाएगा। अब 4 ओम हट गया तो सर्किट कुछ इस तरीके से दिखेगा कि ये ए है, ए से ऊपर कनेक्टेड है 2 ओम्स, ठीक है ना, और नीचे हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा सीरीज में, तो हो जाएगा 3 ओम्स, और इधर नीचे हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा 6 सीरीज में, ठीक है, 6 ओम्स। तो जो 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है हो जाएगा 6 × 3/6 + 3 विच इज 2, और 2 और ऊपर वाला 2 पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट आ गया 1 ओम। सिंपल है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें फिर से ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो मुझे व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, होपफुली आपको भी दिख रहा होगा कि ये ए है ये बी है, इसमें इक्विवेलेंट निकालना है, और सी और डी में ब्रिज जुड़ा हुआ है, और ये ब्रिज बैलेंस है कि R/R इज इक्वल टू R/R, तो ये बैलेंस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर ये बैलेंस्ड है तो आप ये बीच वाले को हटा सकते हो। तो अगर आपने बीच वाले को हटा दिया तो सिचुएशन ये बची आपके पास कि ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा R, 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 और ये हो जाएगा R। तो ये दोनों R हो गए सीरीज में 2R, ये दोनों R हो गए सीरीज में 2R, और ये R हो गया। अब ये 2R और ये 2R पैरेलल में हो गया R, और वो R और ये R हो गया R इक्विवेलेंट जो है इज इक्वल टू R/2। दिख रहा है, ये ऊपर वाले 2R, ये नीचे वाले 2R, और 2R 2R R, और नीचे R, R और R पैरेलल में R/2। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों साफ आपको इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा होगा कि ये अपॉन ये और ये अपॉन ये बैलेंस्ड है, R/R, R/R। ठीक है, तो जो बीच वाला ब्रिजिंग रेजिस्टेंस है इसको हटाओ, और इसको आपने अगर हटाया तो अब जो है आपके पास जो बचा वो ये सर्किट बचा। तो R और R 2R,
और 2R और R पैरेलल में, ठीक है, ये दोनों तो सीरीज में हो गए, ऊपर वाले 2RR और 2R और R पैरेलल में हो गया 2R/3, और ये वाला दोनों हो गया 2R/3, ये हो गया 2R/3 और ये हो गया 2R/3, ठीक है। तो सिचुएशन ये हो गई कि ए से ऊपर 2R/3 और 2R/3 और ए से नीचे 2R/3, 2R/3, तो ये 2R/3, 2R/3 हो गया 4R/3, ये हो गया 4R/3, तो R इक्विवेलेंट आ गया 4R/3 और 4R/3 पैरेलल में, तो फिर से 2R/3, ठीक है बच्चों, ये आ गया इसका आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको दिख रहा होगा कि ये R अपॉन ये R, ये R अपॉन ये R, ये बैलेंस्ड है व्हीट स्टोन ब्रिज, और इसीलिए ये जो रेजिस्टेंस है बीच वाला ये क्रॉस हो जाएगा, इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हट जाएगा, ठीक है, और ये हट जाएगा जब, तो R और R हो जाएगा सीरीज में 2R, R और R सीरीज में 2R, और 2R और 2R पैरेलल में R और R, और ये नीचे वाला R जो है पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/2, ठीक है बच्चों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बेटा दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर बहुत ही आसान सवाल है। आप इसमें ये देखो कि ये तीन जो रेजिस्टेंस हैं, ये वाले तीन, इनका एक एक टर्मिनल यहाँ जुड़ रहा है और इनका दूसरा टर्मिनल भी यहाँ जुड़ रहा है, बीच में कोई और रेजिस्टेंस या बैटरी तो है नहीं, तो ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट R/3, उसी तरीके से इनका इक्विवेलेंट R/3, ठीक है। इस रेजिस्टेंस में से कुछ जाएगा नहीं क्योंकि सर्किट ओपन है ऊपर, इसमें से कुछ जाएगा नहीं क्योंकि सर्किट ओपन है ऊपर, ठीक है। अब अगर इसमें से कुछ नहीं जा रहा तो ये दोनों सीरीज, तो ये हो गया आपका 2R, 2R और R पैरेलल, तो 2R/3, तो इसका हो गया 2R/3 और इसका हो गया 2R/3, तो जो सर्किट बना वो बना R/3, ठीक है, इससे ऊपर जुड़ गया 2R/3 फिर आगे इससे जुड़ गया पॉइंट बी। देखो ये पॉइंट ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये बी है, तो ये भी बी है, ये भी बी है ना, तो सीधे हम बी पे आ गए। अब नीचे आएंगे तो ए से सीधा ही जुड़ा है 2R/3, और फिर 2R/3 से आगे आएंगे तो फिर जुड़ा है R/3 और फिर बी आएगा, तो 2R/3 और R/3 जो हो गया वो हो गया R, और R नीचे भी R, तो R और R हो गया पैरेलल में, R इक्विवेलेंट हो गया R/2, ठीक है बच्चों।